गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लूज वजाइना। वजाइना मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो बाहर का पार्ट होता है उसको वजाइना बोलते हैं। वजाइना भी एक बॉडी का पार्ट है, जैसे फेस होता है ऐसे वजाइना होता है, वो बॉडी का एक पार्ट ही है। वो जैसे जैसे आपका कभी कभी फीमेल को चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, तब वो जब बच्चा बाहर आता है उसके कारण वो जो आपका कैनाल होता है वो लूज हो जाता है। और कभी कभी उसके लिए अगर बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है तो एपिसोटॉमी करना पड़ता है, जो बाहर का पार्ट होता है उसको काटना पड़ता है। उसको काटने में जो रिपेयर कभी अच्छा नहीं किया गया हुआ है उसके कारण भी ये पार्ट लूज हो सकता है। सो इट्स ए नॉर्मल थिंग। या कभी कभी हार्मोनल चेंजेस होता है, मेनोपॉज होता है, वो कारण से आपका वजाइना जो है वो लूज हो सकता है। तो बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास कंप्लेन करती है कि जो कपल में पहले जो रिलेशनशिप में जो मजा थी वो डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज के बाद वो मजा नहीं रही हुई है। तो अगर आपको ये बॉदर कर रहा है तो उसकी भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर लूज वजाइना। वन इज नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में वी हैव CO2 फ्रैक्शनल लेजर, जो बहुत कम लोग के पास अभी अवेलेबल है इंडिया में। सो वी हैव CO2 फ्रैक्शनल लेजर। उसके लिए ये CO2 फ्रैक्शनल के लिए प्रोब होता है, वो प्रोब हम जो बॉडी का पार्ट होता है उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। वो पूरा स्टेरिलाइज पहले किया जाता है जिससे किसी को इन्फेक्शन ना लगे, पेन ना हो, उसके लिए नंबिंग क्रीम लगाया जाता है। फिर उसको अंदर डालने के बाद लेजर ट्रीटमेंट में उसको 360 डिग्री रोटेट किया जाता है। आप रोटेट करते हो तब जो कैनाल होता है वो अंदर से आप देखो तो वो राउंड टाइप का होता है। तो 360 डिग्री रोटेट करने से अंदर से लेजर बीम जो होते हैं वो म्यूकोजा को टाइट करता है। बेसिकली लूज वजाइना में तीन चीज होती है, एक जो बाहर की स्किन होती है वो लूज होती है, सेकेंड म्यूकोजा लूज होता है, और तीसरा अंदर का जो मसल होता है वो लूज होता है, पेल्विक मसल लूज होता है। इसका प्लस ये है कि ये ओपीडी प्रोसीजर है, 10 मिनट की प्रोसीजर है, पेशेंट आते हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को आइडिया नहीं आता, बाहर करके चले जाते हैं, और ये एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। इसका माइनस ये है कि अगर बहुत लूज हो चुका है तो ये काम नहीं आता, ये टेम्पररी आपको रिलीफ करता है 3 to 6 मंथ तक, एंड एवरी सेशन के बाद जनरली 10 to 15% इंप्रूवमेंट होता है, ऐसा पेशेंट का कहना होता है। अगर आपको ज्यादा लूजनेस है तो ये बिल्कुल भी काम नहीं है। अगर ज्यादा लूज है, स्किन लूज है, मसल लूज है, तो आपको सर्जिकल प्रोसीजर कराना पड़ता है। सर्जिकल प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम लोग स्किन जो बाहर की होती है उसको टाइट करते हैं, उसके बाद अंदर का जो म्यूकोजा होता है उसको कट करके अंदर का मसल को रिपेयर करते हैं, और उसके बाद हम लोग म्यूकोजा को रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सेडेशन या लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। पेशेंट को 4 to 6 घंटा सर्जरी के बाद क्लिनिक में रहना पड़ता है। लगभग 5-1 दिन तक एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, 2 to 3 दिन तक वहां पे थोड़ा भारीपन रहता है, एंड आप 3 वीक तक रिलेशनशिप अवॉइड करना हम बोलते हैं, 2 to 3 वीक तक हैवी एक्सरसाइज करने का हम लोग अवॉइड करने का बोलते हैं। सो ये भी प्रोसीजर अवेलेबल है। अगर आपको बॉदर करता है तो हमारा नंबर है 7436000990, आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत रखते हैं ये प्रोसीजर की। ये प्रोसीजर खाली मेरे को और मेरी दो फीमेल असिस्टेंट होती है, हम लोग अंदर जाके हम 3 लोग ही करते हैं। सो यू शुड नेवर बॉदर कि आपका कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होगा कि नहीं। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो।